गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट चैप्टर तक आप लोगों ने सारा क्लासेस कंप्लीट कर लिया होगा होपफुली। नाउ इन सेम ऑर्डर, लास्ट हमने कंप्लीट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस, फंड्स रेजिंग, ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां हम बात कर रहे हैं कि हम फंड्स कहां कहां से और कैसे रेज कर सकते हैं, तो वहां हमारा डिस्कशन हमने इनिशियली स्टार्ट किया था कि वी हैव टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मेनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, वन इज इक्विटी, अदर इज डेट। अब जब हम इन दो सोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएशन में कि हमें कहां से फंड्स रेज करना चाहिए, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर दोनों सोर्सेस अपने अपने प्लेस पे कुछ बेनिफिट्स के साथ हैं और कुछ ड्रॉबैक्स के साथ हैं। सो डेफिनेटली वी कांट गो विद एनी सिंगल सोर्स, लेकिन हम सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट से फंड्स रेज नहीं कर सकते, हमें इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन डिजाइन करना पड़ेगा। इक्विटी एंड डेट का एक कॉम्बिनेशन हमें डिजाइन करना पड़ेगा और उस कॉम्बिनेशन के लिए दो या तीन मेन पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन, कितना कॉस्ट हमारा उस सोर्स का आ रहा है, मतलब फंड लिया है ना, इक्विटी से लिया है या डेट से लिया है, शेयर से लिया है या लोन से लिया है, तो उसका कॉस्ट तो आएगा। देन लास्ट टॉपिक हमने ये डिस्कस किया कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फाइन, दैट इज अ पार्ट, कॉस्ट कैलकुलेशन। नाउ अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा, उस कैपिटल स्ट्रक्चर डेट पोर्शन कितना होना चाहिए और इक्विटी पोर्शन कितना होना चाहिए। क्योंकि वन थिंग इज कंफर्म कि हमारा जो भी इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं उसमें फॉर श्योर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। अब डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में वी हैव टू डिसाइड कि कितना परसेंट डेट और कितना परसेंट इक्विटी। से 20-80 का रेशो रखें, 50-50 का रेशो रखें या 80-20 का रेशो रखें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, इस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, अलग अलग पर्सन्स ने अपना अपना थ्योरी दिया था। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर हमें कैपिटल में डेट और इक्विटी का कितना कैसे कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, उसमें देर आर फोर डिफरेंट थ्योरीज। वन इज नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड इज ट्रेडिशनल, फोर्थ इज मोदी गिलानी एंड मिलर। एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिएगा। So, ये चार हमारे पास थ्योरीज हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे हम शॉर्ट में MM बोलते हैं। अब इन चार थ्योरीज के बेसिस पे सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने लॉजिक्स, अपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर में
डेट कंटेंट कितना होना चाहिए, इक्विटी कंटेंट कितना होना चाहिए, उस चीज को डिफाइन किया है। सबका अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना प्रोसीजर है एक्सप्लेन करने का। हम इन चारों थ्योरीज को समझेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे कि अल्टीमेटली विच वन इज द बेस्ट वन, यानी बेस्ट चॉइस क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस स्पेसिफिक थ्योरी कुछ जनरल डिस्कशन पे बात कर लेते हैं। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जो स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टार्ट के सारे क्लासेस लिए उन्हें ये डिस्कशन पता है क्योंकि हम इसको कई बार कर चुके हैं। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और इक्विटी और डेट को कंपेयर करते हैं, तो इक्विटी और डेट के कंपैरिजन पे हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है, जनरल कंक्लूजन क्या है जो हमने स्टार्ट में डिजाइन किया था, स्टार्ट में डिस्कस किया था, इक्विटी और डेट का जनरल कंक्लूजन क्या है? इक्विटी के अंदर जनरल कंक्लूजन क्या है? लेस रिस्क हाई कॉस्ट। और डेट में हमारा कंक्लूजन आता है लेस कॉस्ट हाई रिस्क। हाई रिस्क लेस कॉस्ट। अब ये मेन जो हमने पॉइंट यहां पे नोट किया ना, ये कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पे ऑलरेडी कई बार समझ चुके हैं, इस चीज को माइंड में रखते हुए हम इस थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करने की बात करते हैं। इक्विटी लेस रिस्की होता है लेकिन कॉस्टली होता है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी आपका मेन मोटिव है, जब कंपनी की मार्केट वैल्यू आपका मेन कंसर्न है, जब कंपनी की नेटवर्थ आपका मेन कंसर्न है, तो आप डेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हो क्योंकि डेट में कॉस्ट कम आता है। लेकिन यदि आपका मेन कंसर्न कंपनी की क्रेडिबिलिटी है, कंपनी की जो इन्वॉल्व रिस्क है उसे आपको मैनेज करना है, तो हम इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये थ्योरीज डिजाइन की गई हैं। इन थ्योरीज में कुछ बेसिक अजम्पशंस लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम वो अजम्पशंस मार्क कर लेते हैं। सच अजम्पशंस आर कॉमन अजम्पशंस फॉर ऑल द थ्योरीज। ये चारों थ्योरीज पे इक्वली एप्लीकेबल अजम्पशंस है, मतलब चारों थ्योरीज ने ये बेसिक अजम्पशंस पहले लिया, उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। बट एज वी विल प्रोसीड विद द इंडिविजुअल थ्योरी, तो हम उसमें कुछ डिफरेंस जो भी होगा या डिफरेंट अजम्पशन होगा उसे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कॉमन अजम्पशंस हैं। नोट कर लीजिएगा, कॉमन अजम्पशंस, ये कॉमन अजम्पशंस हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज बेसिकली आप सबको पता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हम हो गए हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, इंटेलिजेंट थोड़े से हो गए हैं, कि जब भी कोई थ्योरी, जब भी कोई फॉर्मूला कोई डिजाइन करता है, कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन करता है, कोई थ्योरी डिजाइन करता है, तो वो थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकती, वो सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो आपकी थ्योरी की क्रेडिबिलिटी को या उसके एक्सप्लेनेशन को कहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें हम अजम्पशन में डाल के न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि उन फैक्टर्स का हमारी थ्योरी के कंक्लूजन पे इम्पैक्ट ना आए, और जो भी उन फैक्टर्स से अफेक्टेड हैं वो उस थ्योरी को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते रहें। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जिन्हें हमने न्यूट्रल कर दिया, मतलब उन फैक्टर्स की वजह से हमारी थ्योरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला फैक्टर है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल ओनली। पहला अजम्पशन इन्होंने क्या रख दिया कि यहां पे कैपिटल को अरेंज करने के दो ही सोर्स हैं सर, एक इक्विटी और अदर इज डेट, और कोई सोर्स नहीं है। देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल। वन इज इक्विटी, अदर इज डेट, और कोई सोर्स नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स होता है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ इन थ्योरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ अजम्पशन लिया गया है, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट गाइस, वन मोर थिंग, इफ एनीवन वांना आस्क एनीथिंग, एनी पॉइंट, एनी क्वेरी, तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल
अलाउ टू ओपन योर माइक, तो हम आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो आपको जब भी कोई पूछने का है, बस एक हैंड रेस का बटन, ताकि मैं आपको देख पाऊं कि किसको क्वेश्चन पूछने का है, तो मैं अपना डिस्कशन स्टॉप करके आपके क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला, दो ही सोर्स ऑफ कैपिटल है, दो ही सोर्स ऑफ कैपिटल है, एक इक्विटी, दूसरा डेट। अजम्पशन नंबर टू, रेट ऑन ऑफ अर्निंग, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम। टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम। कंपनी ने जितनी कैपिटल के साथ बिजनेस करना है और कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो कंपनी का टोटल कैपिटल सेम रहेगा। ये हर अजम्पशन को क्लियरली हम अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये अजम्पशंस हमारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम का मतलब क्या है? यदि कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 100 CR का है, तो दैट विल रिमेन 100 CR। मतलब सपोज अभी हमने इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बनाने का है, करंटली मेरा 100 CR पूरा का पूरा इक्विटी है और डेट कितना है? जीरो। इफ आई वांट टू चेंज माय कैपिटल स्ट्रक्चर, यदि मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाना चाहता हूं, यदि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को, लोन को इंक्लूड करना चाहता हूं, सपोज मुझे 30 करोड़ रुपीज का लोन डालना है बिजनेस के अंदर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो बना रखा है ना मैंने, इसमें 100% इक्विटी है और डेट जीरो है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, इसमें कुछ पोर्शन डेट का लेके आओ ना, सिर्फ इक्विटी से कैसे काम चलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी सफर हो रहा है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, 30 CR डेट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 30 CR डेट डालते हैं। 30 CR डेट डालने से टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 130। नो, अजम्पशन हमने बोल दिया है ऊपर, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, इसका मतलब है आपको इक्विटी कम करके 70 CR पे लाना पड़ेगा। इफ यू विल इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल अमाउंट और एनी अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द सोर्स इन योर कैपिटल, तो आपको दूसरे सोर्स से उतना ही कैपिटल कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये है कि हमारी टोटल कैपिटल जो कि इक्विटी और डेट को मिला के बनाई हुई है, वो 100 CR से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यही हमारी ओरिजिनल है। मैंने 100 CR एग्जाम्पल लिया है। इफ योर टोटल कैपिटल इज ऑफ 100 CR, दैट मीन्स इट विल रिमेन 100 CR। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो। सर डेट और लाना है, ले आओ 70 CR का डेट कर दो, तो इक्विटी कम करके क्या करनी पड़ेगी? 30 CR करनी पड़ेगी। तो आप जब भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे, तो वो चेंज होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, वो एक्सपैंड नहीं होगा, टोटल कैपिटल सेम रहेगी। आप सिर्फ स्विच कर सकते हो एक मोड से दूसरे मोड में। जैसे मैंने SBI से लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपए का, नाउ आई रियलाइज कि यार 10 लाख का लोन BOB से लेना चाहिए था, या ICICI बैंक से लेना चाहिए था। व्हाट आई विल डू, 10 लाख का, 10 लाख रुपीज आई विल बोरो फ्रॉम ICICI एंड विल यूज दैट 10 लाख टू रीपे द लोन ऑफ SBI। तो यहाँ एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ हम स्विच करने की बात कर रहे हैं, मोड स्विच करने की बात कर रहे हैं। भाई मैंने एक्स से पैसा लिया हुआ है, मुझे लगा कि एक्स से सारा का सारा पैसा एक्स से नहीं लेना चाहिए था, वाई कम रेट पे दे रहा है, वाई से लेना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा मनी वाई से बोरो करके एक्स का थोड़ा बहुत रीपे कर दूंगा, मैं बैलेंस करूंगा, स्विच करूंगा, मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन, अजम्पशन नंबर टू, द टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम। आई थिंक इट इज क्लियर। आप लोग साथ में रिस्पॉन्ड भी करते चले तो थोड़ा सा मजा रहेगा, आप लोगों को जैसे बात समझ में आती है, एंड आई विल आस्क यू कि यस इट इज क्लियर, तो जस्ट एक थम्स अप का बटन प्रेस कर देंगे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप लोगों को बात समझती भी आ रही है और आप जस्ट सुनने को नहीं है। वेरी गुड यार, वेरी गुड भाग्यश्री, यस यस कल्पेश, ऋग्वेद, यू वांट टू आस्क समथिंग? एक्चुअली यू रेज योर हैंड ना, ओके, आपने थम्स अप की जगह हैंड रेज का बटन प्रेस कर दियोगे, एनीवेज कोई बात नहीं, ओके 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 फाइन। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट, अजम्पशन नंबर थ्री। अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। देखिए मैंने क्या बोला, ये अजम्पशंस हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा गाइस थोड़ी, क्योंकि ये मोड ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मोड है, हम बात करके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट लोअर डाउन योर हैंड, उस बटन को वापस प्रेस करेंगे तो आपका हैंड लोअर डाउन हो जाएगा। तो जस्ट लोअर योर हैंड्स, तो ऋग्वेद एंड जीतू, जस्ट लोअर योर हैंड। ओके चलिए, तो आगे बात करते हैं अजम्पशन नंबर थ्री, ये कैसे अफेक्ट करेगा। अजम्पशन नंबर थ्री है रेट ऑफ अर्निंग ऑन कैपिटल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब ये है सर कि आपने यहां पे टोटल कैपिटल कितना लगाया, 100 करोड़। सपोज माई रेट ऑफ अर्निंग, देखो रेट ऑफ अर्निंग दो तरह से आती है, एक तो आपकी रेट ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है आपकी टर्नओवर पे यानी आपके सेल्स पे, और एक रेट ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है आपकी कैपिटल पे। हमारी रेट ऑफ अर्निंग कैपिटल पे डिपेंड करती है। सपोज मारा माई रेट ऑफ अर्निंग इज 12%, माई रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरा अर्निंग 12% है, माई अर्निंग इज ऑफ 12%, वट इज दिस मीन्स, मेरा अर्निंग 12% है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सर जितनी भी कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है उस कैपिटल पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट में बोलूं तो 12% का रिटर्न मिलेगा, यानी मेरी जो प्रॉफिट होगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 12 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि 100 करोड़ मेरा इन्वेस्टेड है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब क्या सर, मैंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, बढ़िया बात है। क्या किया है सर, मैंने 70-30 का रेशियो बनाया है। ओके फाइन सर, व्हाट अबाउट माय अर्निंग नाउ। Assumption says it will remain constant. So earning earlier 12% of capital था, still 12% of capital होगा, यानी यहाँ पे भी 100 CR का capital है और उस पे earning 12% 12 CR ही रहेगा, इसमें कोई change नहीं आएगा। तो दोनों अजम्पशन ने क्लियर कर दिया क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंज होगा, मिक्स चेंज होगा, दूसरा टोटल कैपिटल चेंज नहीं होगी। फाइन, तो टोटल कैपिटल चेंज नहीं होगी तो रेट ऑफ अर्निंग चेंज नहीं होगी, और रेट ऑफ अर्निंग भी चेंज नहीं होगी तो मेरी टोटल अर्निंग चेंज नहीं होगी। अब मैं बिजनेस चाहे लोन लेके कर रहा हूं, चाहे बिजनेस में अपना पैसा लगा के कर रहा हूं, मैं बिजनेस से अर्न करता हूं, मनी से नहीं, इसलिए मेरा अर्निंग विल रिमेन सेम। दैट इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अजम्पशन नंबर फोर, नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स। ये थोड़ा सा, यस जीतू, थर्ड अजम्पशन वापिस समझ लो। थर्ड अजम्पशन भाई बहुत सीधा सीधा सा बात बोलता है, आपने बिजनेस में कितना मनी लगाया, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। सर आई इन्वेस्ट 100 CR इन द बिजनेस, फाइन, आपके बिजनेस का रिटर्न किस चीज पे डिपेंड करता है। सर जितना पैसा लगाऊंगा उतना रिटर्न आएगा। आपने कितना पैसा लगाया, 100 करोड़, रिटर्न कितना आएगा। सर जितना भी पैसा लगाऊंगा उस पे 12% का रिटर्न आएगा, मतलब 100 करोड़ रुपए लगाया, 12% से 12 करोड़ रुपए मैं कमाऊंगा। सर यदि 200 करोड़ लगाओगे, सर 200 करोड़ लगाओगे तो 12% से 24 करोड़ रुपीज कमाओगे। फाइन, दैट मींस अर्निंग डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, पहली चीज। दूसरा सर, अर्निंग इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है ना, इन्वेस्टमेंट के मोड पे डिपेंड करती है क्या, नहीं। आप पैसा चाहे इक्विटी से लगाए या डेट से, आपने कितना पैसा लगाया दैट इज इंपॉर्टेंट, आपने पैसा कहां से लेके लगाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं एक्स से मनी लाके इन्वेस्ट करूं या वाई से लाके इन्वेस्ट करूं, डिपेंड इस चीज पे करता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया बिजनेस के अंदर। तो मेरी अर्निंग बिजनेस के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड होगा मुझे उस पैसे पे एक फिक्स परसेंटेज से रिटर्न मिलेगा। तो पहले भी 100 करोड़ था, अभी भी 100 CR है, पहले भी 12% रिटर्न है, अभी भी 12% रिटर्न है,
इन शॉर्ट मोड ऑफ सोर्स, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ फंड आप चाहे चेंज कर लें, आपकी अर्निंग चेंज नहीं होगी. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज नो कॉर्पोरेट टैक्स. ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है. नो कॉर्पोरेट टैक्स ये कहना चाह रहे हैं कि सर टैक्स लगता ही नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वाली बात है. आप अर्निंग करेंगे तो आप पे टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट पे भी टैक्स लगता है. लेकिन इन्होंने इसको अजम्पशन में क्यों डाला है, क्योंकि टैक्स रेट डिफर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट होती है, सब पे अलग अलग रेट लगती है, इसलिए इसको अजम्पशन में डाल दिया. हाँ, इनिशियली इसको हम अजम्पशन में रखेंगे, लेकिन आगे जाके इस अजम्पशन को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, मतलब इस अजम्पशन को हटा दिया गया है. लेकिन हमारे लिए बेसिक अजम्पशन में हम इसको अजम्पशन की तरह रखने वाले हैं. अजम्पशन नंबर 5, डेट्स आर चीपर. इक्विटी, और ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं और इसको एस्टैब्लिश भी कर चुके हैं कि लोन लेना, लोन से बोरो करना, मनी बोरो करना, उस पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट आता है वो इक्विटी की कॉस्ट के कंपैरिजन में कम होता है. जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ लिया है उनको ये बात बहुत अच्छी तरह हम एक्सप्लेन वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कशन इस बात पे हम कर चुके हैं कि लोन पे जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इक्विटी के डिविडेंड के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम होता है, और ये हमने अजम्पशन में भी डाल दिया है. तो ये बेसिक 5 अजम्पशंस. एक और अजम्पशंस ले लेते हैं, नहीं वो हम थ्योरी के साथ लेंगे. चलिए, ये बेसिक 5 अजम्पशंस हैं, और इन बेसिक 5 अजम्पशंस को नोट डाउन कर लीजिए. सारी थ्योरीज में ये ऑल अजम्पशंस आर इक्वली एप्लीकेबल. चारों थ्योरीज में ये अजम्पशंस रहती हैं. हर थ्योरी ने अपने थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो वहां जाके कुछ जो भी मॉडिफिकेशन होगा दैट वी विल डिस्कस देयर. अभी के लिए 4 अजम्पशंस. इज इट ओके? अजम्पशंस आर क्लियर? बहुत सिंपल सा स्मॉल सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, क्योंकि ये बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन समझ पाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है. चलिए, तो नेक्स्ट थ्योरी पे, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. बेसिक कैलकुलेशंस. बेसिक टर्म्स एंड कैलकुलेशन. अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज और बेसिक कैलकुलेशन वो हम यहीं पे अंडरस्टैंड करके चलेंगे, ताकि थ्योरी डिस्कशन में हमें प्रॉब्लम ना आए. द फर्स्ट, डी स्टैंड फॉर डेट्स, एस स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी, वी स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ फर्म, के ई है इक्विटी कैपिटलाइजेशन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिसे हम अभी पढ़ के आए हैं, जिसको हम एक अलग नाम और बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. के डी के बारे में आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ डेट. के ओ यू नो वेरी वेल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हियर एन आई स्टैंड फॉर नेट इनकम, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो टर्म आपको पता है. ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज एब्रीवेशंस जिन्हें हम यहाँ यूज करने वाले हैं इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए. बेसिक एब्रीवेशंस. नोट कर लीजिएगा गाइस, स्लो स्पीड आ रहा है आपका, स्पीड बढ़ाएं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप नोट कर पाएंगे. नेक्स्ट, कुछ बेसिक फॉर्मूलास की बात कर लेते हैं. सॉरी,
आई विल आई विल आई विल आई विल आई विल ओके चलेगा फॉर श्योर. आई विल सेंड दिस फाइल, आई विल सेंड दिस फाइल, डोंट वरी. चलिए नेक्स्ट, कुछ एब्रीवेशंस की बात करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं. के ई स्टैंड फॉर एन आई अपॉन एस, के ओ एस, ई बी आई टी बाय वी, एस इज एन आई अपॉन के ई, वी इज डी प्लस एस और ई बी आई टी बाय के ओ ये कुछ बेसिक फॉर्मूलास जो ऑलमोस्ट हमारी सारी थ्योरीज को कंप्लीट करेगा, सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगा. जहां हमने अभी तक टैक्स की बात नहीं की है, इट्स ऑल अबाउट विदाउट टैक्स थ्योरीज. जब हम टैक्स कंसिडरेशन को लेके आएंगे तो इन फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो टैक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे उसी पर्टिकुलर प्लेस पे चल के. बस फॉर्मूलाज इतना सही है, ज़्यादा लोड नहीं है फॉर्मूला में, मेनली कॉन्सेप्ट समझना है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल सेट. नाउ प्लेटफॉर्म इज सेट फॉर थ्योरीज, हमने डिजाइन कर लिया हमारा प्लेटफॉर्म और फर्स्ट थ्योरी पे आते हैं, एन आई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच, पहले कौन है नेट इनकम अप्रोच देने वाले, इनका नाम है ड्यूरेंट डेविट. ड्यूरेंट डेविट, ड्यूरेंट डेविट ने ये थ्योरी एस्टैब्लिश की थी, ये थ्योरी डिजाइन की थी. और ड्यूरेंट डेविट ने ये जो थ्योरी डिजाइन की थी, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत इजी सा थ्योरी है. देखिए एक बार और वापस चीज बोल देता हूँ, यू आर नॉट सपोज टू लर्न वर्ड बाय वर्ड और डेफिनेशन एंड ऑल, क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. डेफिनेशन याद करके नोट करना, हमें एप्लीकेशन समझना है, इम्प्लीकेशन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है. तो लैंग्वेज याद करने पर नहीं जाइए, उसके बेसिक सेंस को समझना है, मेन चीज ध्यान रखिए. ड्यूरेंट डेविट ने इस थ्योरी में क्या बोला, ड्यूरेंट डेविट ने इस थ्योरी में क्या बोला है, इंक्रीज इन डेट और लेवरेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल डिक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल and will increase value of firm. बहुत छोटी सी लाइन में इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी और उसका रीजन भी साथ में दे दिया. As debts are cheaper than equity. So, increased proportion of cheaper source will provide benefit. क्या बोला है, मैं एग्जाम्पल से और सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करूंगा, चीज जल्दी समझ में आएगा. इन्होंने एक चीज बोला, डेट और इक्विटी में से सस्ता कौन है, डेट और इक्विटी में से कम कॉस्ट किसका है, डेट और इक्विटी में से चीपर सोर्स कौन सा है. सर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स आर चीपर, ये हम अजम्पशन में भी लेके आए हैं, हम ये आगे अंडरस्टैंड भी करके आए हैं, डिस्कस भी करके आए हैं कि डेट चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, डेट सस्ता होता है, लोन सस्ते में मिलता है, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा आता है. तो यहां पे ये बहुत सीधी सी बात बोल रहे हैं, बहुत सीधी सी बात बोल रहे हैं कि सर आपको पता है दो सोर्स ऑफ कैपिटल मेरे सामने हैं, एक कॉस्टली है एक चीपर है. तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल है उसे बढ़ाते जाओ,
और महंगे वाले सोर्स और कॉस्टलियर सोर्स ऑफ कैपिटल को कम करते जाओ, तो डेफिनेटली जो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, वो डिक्रीज होगी। और जब टोटल कॉस्ट ऑफ फंड डिक्रीज होगी और अर्निंग आपने बोला सेम रहने वाली है, तो डेफिनेटली कंपनी के पास ज्यादा रिटेन अर्निंग आएगी और कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हाँ हाँ बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल होगी, आई एम एग्री, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। एक्चुअली इस थ्योरी को जब हमने डिस्कस किया, अभी तक मैंने सिर्फ चीपर सोर्स की बात की है, लेकिन इस थ्योरी को जब हम आगे लेके चलेंगे तो वहां पे क्रिटिसिज्म यही है कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, चीपर सोर्स है, सस्ता फंड मिल रहा है, डेट ले रहे हो, डेट बढ़ाते जा रहे हो, सर रिस्क बढ़ेगी। चलिए पहले उस बात को ही कंप्लीट कर देते हैं, आप ही के पॉइंट को कंप्लीट कर देता हूं। तो यहां पे ड्यूरिन डेविड ने एक लाइन बोला, एक बात बोला कि चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल डेट, डेट से फंड्स लेते रहिए, चीपर सोर्स ऑफ फंड बिजनेस में आएगा, कॉस्टलियर फंड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? कि सर यहाँ पे बहुत सीधी सी बात, एक अजम्पशन ऊपर लेके चल रहे हैं, इक्विटी की कॉस्ट, सपोज सपोज इक्विटी का कॉस्ट 20% है और डेट यानी लोन हमें मिल रहा है मान लीजिए 10% पे, एक एग्जाम्पल एक अजम्पशन ले रहा हूँ, सर इक्विटी मिल रहा है 20% की रेट पे, डेट हमें मिल रहा है 10% की रेट पे, पहले पूरा का पूरा 100 करोड़, पूरा का पूरा 100 करोड़ मैंने इक्विटी से लिया हुआ था जिसपे 20% का कॉस्ट आ रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इक्विटी कम करके डेट डाल दिया, तो अब प्रैक्टिकली होने वाला क्या है? ये बिल्कुल क्लियर है, तो आपको इजीली चीज समझ में आ रही है। हाँ सर, पहले पूरे 100 करोड़ पे 20% का कॉस्ट लग रहा था, अब क्या होगा सर, अब 30 करोड़ पे 10% का कॉस्ट लगेगा और 70 करोड़ पे 20% का कॉस्ट लगेगा, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ है वो कम हो जाएगी ना। यहां से एग्री कर रहे हैं बात को, पहले 100 करोड़ रुपए पे 20% का कॉस्ट लग रहा था, यानी मेरी जेब से 20 CR का कॉस्ट जा रहा था। अब मैंने क्या किया सर, मैंने ना 30 CR लोन ले लिया जिसपे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने इक्विटी कम कर दिया, ठीक है, इससे क्या होगा सर, इससे 30 CR पे 3 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा, 70 CR पे 20% 14 करोड़, मेरा टोटल कॉस्ट 17 करोड़ रुपये आएगा। पहले टोटल कॉस्ट 20 करोड़ था, अब टोटल कॉस्ट 17 करोड़, कम हो गई ना कॉस्ट। सर ऐसे तो बहुत आसान है, डेट और बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़ा दिया मैंने डेट, मैंने 70 करोड़ कर दिया डेट और इक्विटी को कम करके 30 करोड़ कर दिया, अब क्या होगा सर, अब 70 करोड़ पे 10%, 70 करोड़ पे 10%, 7 CR, 30 करोड़ पे 20%, 6 CR, टोटल कॉस्ट और कम हो जाएगी, टोटल कॉस्ट सिर्फ 13 करोड़ रुपीज लगेगी। ये कैलकुलेशन क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट है? ये तो क्लियर है, बिल्कुल ये सबको समझ में आ रहा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट आया, इसमें एक आर्ग्यूमेंट आया, सर आप ऊपर से बोलते आ रहे हो, कल से परसों से 4 दिनों से जब से पढ़ना शुरू किया एक चीज बोलते आ रहे हो, डेट्स आर रिस्की, डेट्स आर रिस्की, तो यार रिस्क इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या, आप तो लोन बढ़ाते जा रहे हो, इसका मतलब आप तो डूरेन डेविड इस थ्योरी में ही कहना चाह रहा है कि सारा का सारा बिजनेस डेट से करो, सारा का सारा बिजनेस लोन से करो, इक्विटी हटाई दो, इसका मतलब तो यही हो गया ना, क्यों जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट तो कम होती जाएगी। तो जब इसके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट है, इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं इसी थ्योरी पे चल रहा हूं, आपकी बात ठीक है, आपने बोला, लेकिन मैंने यहां अजम्पशन डाल दिया, अज्यूमिंग इंक्रीज इन डेट विल नॉट अफेक्ट रिस्क परसेप्शन ऑफ शेयर होल्डर। क्या बोल दिया इन्होंने, बात ही खत्म कर दी, हमारे आर्ग्यूमेंट को जस्ट जीरो कर दिया। इन्होंने बोला मेरी तो अजम्पशन है सर कि डेट प्रपोर्शन इंक्रीज करने से भी शेयर होल्डर की रिस्क परसेप्शन में कोई चेंज नहीं आता है, हमारी कंपनी में
जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में कैपिटल लगाया हुआ है, वो इतने स्ट्रांग हैं, वो इतने न्यूट्रल हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा डेट आ गया है, कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा रिस्क आ गया है। नहीं, दे आर फ्री, उन्हें तो रिटर्न से मतलब है, रिटर्न बढ़ रहा है, दे आर हैप्पी, उन्हें कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, दे आर हैप्पी, दे आर न्यूट्रल अबाउट द रिस्क परसेप्शन। वो कहते हैं कि डेट बढ़ो बढ़ो, हमारी रिस्क में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिस्क में उनके कोई फर्क नहीं पड़ता तो कॉस्ट कम होती जाएगी और रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा। इसको शॉर्ट में यदि हम लिखें तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, डी के डी के के ओ एस वी, ये टोटल 6 फैक्टर्स ऊपर मैंने आपको लिख के दिया था। इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या है? इस थ्योरी का कंक्लूजन है, डेट्स बढ़ाओ, डेट्स बढ़ाओ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट सर वो कांस्टेंट रहेगी, आप जितना लोन लेना चाहते हो लोन ले लो, बैंक लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखेगा। आप 10 करोड़ का लोन लोगे तो भी 10% पे मिलेगा, आप 40 करोड़ का लोन लोगे तो भी 10% पे मिलेगा, अजम्पशन है सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट, ये भी बोल रहा है, ये भी कांस्टेंट, क्यों सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? एक लाइन याद करो जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस की थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन हमने बोल दिया शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन चेंज ही नहीं होती है, शेयर होल्डर की रिस्क परसेप्शन चेंज ही नहीं होता है। अब शेयर होल्डर का रिस्क परसेप्शन चेंज ही नहीं होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन बदलेगी नहीं, तो वो जितनी मिल रही है कॉस्ट, जितना रिटर्न मिल रहा है उसी से सेटिस्फाई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्स्टेंट, देन वॉट सर? के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो डिक्रीज होने वाली है क्योंकि हमने डेट प्रपोर्शन बढ़ाया है, उस पर कॉस्ट कम लगती है, तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और जब ये डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे? अब इन सारे फैक्टर्स को, बस ये थ्योरी आपको याद रखनी है, इस थ्योरी को याद रखने का बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला चार्ट याद रख लीजिए बस। इस चार्ट से पूरी थ्योरी, डेट्स ड्यूरेंट डेविड ने क्या बोला, एनआई इनकम में, एनआई अप्रोच में डेट बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट विल कम डाउन, वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। इन शॉर्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना के छोड़ दिया इन्होंने, खत्म। क्यों? क्योंकि अजम्पशन है सर, इंक्रीज इन रिस्क विल नॉट इंक्रीज रिस्क परसेप्शन, एंड सेकेंड डेट्स आर चीपर, बात खत्म। एम आई क्लियर? मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पहले आप लोगों से कुछ पूछने से पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, और उस एग्जाम्पल से और ज्यादा इसको क्लैरिटी से सेटिस्फाई करते हैं हम अपने आप को, और ज्यादा क्लियर करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं हम अपने आप को कि हाँ सर बात सही है। जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है। करंट में सर, करंट में कंपनी के पास डेट्स हैं 20 CR, 20 लाख ले लेते हैं, 20 और कम कर लेते हैं। करंट में कंपनी के पास डेट है 10 लाख रुपीज के एट द रेट ऑफ 10%, बढ़िया। और करंट में सर कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए कंपनी कमाती है, बहुत बढ़िया। और कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% या 16%, ये करंट सिनेरियो ले लिया मैंने। तीन मेन इंफॉर्मेशन, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख रुपए का लोन है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपनी की टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए की होती है, ठीक है, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट है, डी मेरे पास अवेलेबल है, के ई मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे यहां कैलकुलेशन करके रिमेनिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, ये आपको पता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, मुझे ये तीन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ये तीनों फैक्टर कैलकुलेट करते हैं सर। चलिए कैसे करेंगे, फर्स्ट
फॉर्मूलाज हमने ऊपर लिखे थे इन्हीं में से किसी को यूज करके, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं ईबीआईटी, ईबीआईटी है मेरा 5 लाख। ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, 10 लाख रुपए पे 10% लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, नेट इनकम आ गई हमारी। आ नेट इनकम, नेट इनकम आ गई सर मेरी, नेट इनकम इज 4 लाख, माय नेट इनकम इज 4 लाख। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई क्वेश्चन में गिवन है 16%, तो हमें एक कैलकुलेशन पता है, एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन केई। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16%, ये आ गया मेरा एस। जस्टिस एक मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूं, होल्ड डाउन गाइस। हेलो, तो कैलकुलेशन देखते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16% 25 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया हमारा 25 लाख। एक चीज और पता थी, डेट कितने के हैं? 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म डी प्लस एस 35 लाख। ओके, देन केओ, केओ है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई वी, ईबीआईटी था 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख, तो इट इज 4.29%। ये कैलकुलेशन आराम से, टेक योर टाइम, जस्ट चेक दिस आउट और कंफर्म योर सेल्फ की यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कैलकुलेशन। आई वॉन्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम एवरी वन गाइज, सभी का कन्फर्मेशन चाहिए मुझे। आप लोग इन कैलकुलेशन से सेटिस्फाई हैं, इसका कन्फर्मेशन दे दीजिए मुझे, एक थम्स अप कन्फर्म करके आराम से। टेक योर टाइम, इस कैलकुलेशन को चेक कर लो। फॉर्मुलाज मैंने ऊपर आपको बताए थे, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है, उन्हीं में से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंगली मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है और ये कैलकुलेशन ड्रॉ किया है। इसमें जो बेसिक आउटकम मुझे चाहिए था वो मिल गया, डेट इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब हमें यहां मिल गया। एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद दिस? सॉरी, क्या निकाला मैंने? एक मिनट, मैंने आई एम इन नीड ऑफ दिस, मुझे ये 5 कैलकुलेशन चाहिए ताकि मैं थ्योरी को प्रूव कर पाऊं। मुझे ये 6 कैलकुलेशन चाहिए, आई एम इन नीड ऑफ सच 6 कैलकुलेशन। मेरे पास लोन कितना है? डी, ये रहा, मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, डी इज 10 लाख, मिल गया पहली कैलकुलेशन। दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है सर? 10%, मिल गया। थर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है, 16%। फोर्थ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ओ सर मिसिंग है, कैलकुलेट करो।
तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला चाहिए था मैंने उसे यूज किया और ये केओ कैलकुलेट कर लिया 14.29%। देन आई एम इन नीड ऑफ एस, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू। एल एस को हमने ऊपर बोला था, एस क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मुझे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू चाहिए, ये आ गया सर एस 25 लाख। कैलकुलेट कैसे किया, ऊपर तरीका बताया है, यहां पे लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन के ई। एन आई क्या, नेट इनकम। नेट इनकम कैसे आती है, नेट इनकम कैसे आती है, नेट इनकम आती है ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके। ठीक है, ये कैलकुलेशन और हो गया। देन एस भी आ गया। आई एम इन नीड ऑफ वी, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है सर, वैल्यू ऑफ फर्म ऊपर लिखा है डी प्लस एस, डी प्लस एस। डी मालूम था 10 लाख रुपी, एस कैलकुलेट हो गया 25 लाख रुपी। तो वैल्यू ऑफ ओवरऑल फर्म, पूरे बिजनेस का मार्केट वैल्यूएशन आ गया। हमारे पूरे बिजनेस की मार्केट वैल्यूएशन 35 लाख रुपीज है। अब चलिए मुझे एक चीज बताइए, ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने क्यों किया उसको बताता हूं, उसका रीजन। किसी भी डिस्कशन को कंक्लूजन पे लेने कुछ बेंचमार्क चाहिए। अब मेरा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि सर पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं, लोन से लाएं, इक्विटी से लाएं, लोन से लाएं, इक्विटी से लाएं। ठीक है सर, डिस्कशन शुरू हो गया। अब इस डिस्कशन का कंक्लूजन चैप्टर पे आके होने वाला है। पहला, जो भी मनी हमारी बोरो होगी, जो भी फंड्स हम अरेंज करेंगे, जहां से भी हम कैपिटल लेकर आएंगे, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। मुझे एक चीज से मतलब है, बिजनेस करो, रिटर्न निकालो। दो चीज चाहिए मुझे, एक तो पैसा कहीं से भी लेके आओ, मेरी टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए, मेरी टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट बोले तो केओ, ये है मेरी टोटल कॉस्ट। मेरा पर्पज ये है, पैसा कहीं से भी लेके आओ, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए। अभी मेरी टोटल कॉस्ट है 14.29%। ठीक है, दूसरा, दूसरा मेरा एक ही मोटिव है, दूसरा मोटिव मेरा एक ही है, बहुत सिंपल सा मोटिव है, मेरे पूरे बिजनेस का मार्केट वैल्यूएशन इंक्रीज होना चाहिए। जिसे हम बोलते हैं ना, एफएम के स्टार्ट के डिस्कशन में हमने बोला था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, यानी फर्म की मार्केट वैल्यूएशन इंक्रीज होनी चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, 35 लाख है आज की डेट में मेरा मार्केट वैल्यूएशन। अब यहाँ पे जो मेरी कैलकुलेशन है, उनमें दो बेसिक कैलकुलेशन मुझे चाहिए, वो सामने रख दी है। मेरी ओवरऑल फंड की कॉस्ट 14.29% है और मेरी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 35 लाख रुपीज है। अब ड्यूरेन डेविड आके सजेस्ट करते हैं, ड्यूरेन डेविड आके सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, ड्यूरेन डेविड आके बोलते हैं कि सर आपको मार्केट वैल्यूएशन बढ़ानी है। मैंने कहा हाँ सर। सर कॉस्ट कम करनी है, मैंने कहा बिल्कुल सर। बोले काम करो क्या, ये लोन बढ़ा दो, ये लोन बढ़ा दो, ये डेट बढ़ा दो, इससे क्या होगा। तो ड्यूरेन डेविड ने एनआई अप्रोच में बोला डेट बढ़ाओ, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी और कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा होगा, बोले हाँ सर करके देखो। मैंने कहा चलो पेपर पे चेक करके देखते हैं। मैं बढ़ा दिया लोन, 10 लाख से लोन बढ़ा के मैंने 20 लाख रुपये कर दिया। देखते हैं ड्यूरेन डेविड की बातों में कितनी सच्चाई है। तो मैंने 10 लाख से लोन बढ़ा के 20 लाख रुपये कर दिया। अब ये थ्योरी प्रूव करने का टाइम आया, मैंने लोन का अमाउंट, डेट अमाउंट 10 लाख रुपीज से 20 लाख कर दिया। पहली अजम्पशन याद रखिएगा, वापस आराम से समझिएगा, समझ में आ गया, बहुत इजीली चैप्टर खत्म। ड्यूरेन डेविड कहता है लोन डेट बढ़ाओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये केडी कांस्टेंट रहेगी, लोन उसी रेट पे मिल जाएगा, यानी 10% पे मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये 16% ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अजम्पशन ले लिए सर, मैंने अजम्पशन ले लिए, शेयर होल्डर का रिस्क परसेप्शन चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, और सर ये जब होगा ना, तो ये कॉस्ट ऑफ केओ ओवरऑल कॉस्ट कम होने लगेगी। अच्छा चेक करेंगे सर, इससे आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगी। ओके चेक करेंगे सर, इससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ने लगेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी को छोड़ दो भले अभी के लिए, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, केओ और वी,
KO कम हो जाएगी, V इंक्रीज हो जाएगी। चेक करते हैं सर, यही कैलकुलेशन वापस कर रहा हूं नए फिगर्स के साथ, देखना कंपैरिजन। जस्ट लुक एट द कंपैरिजन, व्हाट अबाउट ईबीआईटी? सर अजम्पशन है ईबीआईटी तो चेंज नहीं होता, विल रिमेन 5 लाख। परफेक्ट। इंटरेस्ट कितना माइनस करूं सर? 20 लाख रुपए के लोन पे। यस भाग्यश्री, एक सेकेंड बेटा होल्ड करना। फिर ओके क्या किया सर हमने? तो सर हमने क्या किया, लोन बढ़ा दिया, 10 लाख की जगह 20 लाख का लोन कर दिया। लेकिन एक अजम्पशन ध्यान रखना, लोन बढ़ाओगे तो इक्विटी का रीपेमेंट भी करोगे, अजम्पशन थी। टोटल कैपिटल चेंज नहीं करना है, 10 लाख का एक्स्ट्रा लोन लेके आए हो तो 10 लाख रुपए का इक्विटी रीपे करना पड़ेगा। ठीक है सर, याद है, अभी करते हैं। ईबीआईटी सर, ईबीआईटी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं होगा, ईबीआईटी कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट ईबीआईटी 5 लाख। इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे सर? अब इंटरेस्ट लगेगा 20 लाख रुपए के लोन पे 10%, 2 लाख रुपए। लोन 20 लाख का हो गया ना, अब पहले डेट 10 लाख रुपीस के थे, अब डेट 20 लाख रुपीस के हो गए, तो इंटरेस्ट विल बी 2 लाख। नेट इनकम कितना बचेगा सर? अब नेट इनकम बचेगा 3 लाख। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर नो चेंज, कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, अजम्पशन है सर, कॉन्स्टेंट रहेगा, अजम्पशन है सर। ओके वेरी गुड, पता है मतलब सभी को, कॉन्स्टेंट रहेगा, अजम्पशन है। तो एस का क्या सर? एन आई डिवाइडेड बाय के ई, 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% सर, ये हो गया 18.75 लाख। ठीक है, डी सर, डी है 20 लाख। ठीक है, टोटल करके वी बताओ, डी प्लस एस, वी है 38.75 लाख। केओ बताओ, केओ है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 38.75। ये है 12.9%। चलिए कंपैरिजन देखते हैं, कैलकुलेशन क्लियर है? टेक योर टाइम, जस्ट कंफर्म द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कंफर्म कर लो गाइस। वही कैलकुलेशन जो मैंने पहले 10 लाख के सिनेरियो में किया था, वही कैलकुलेशन मैंने यहां पे अब लोन 20 लाख रुपीस करके वही कैलकुलेशन वापस कर दिया। ठीक है, अब कंपैरिजन देखो, ड्यूरेंट डेविड की बातों में कितनी सच्चाई है, चेक करते हैं। ड्यूरेंट डेविड ने बोला था लोन बढ़ा के 20, लोन इंक्रीज कर दो, कर दिया सर मैंने, लोन 20 लाख कर दिया अब लोन। ठीक है, ड्यूरेंट डेविड ने बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये नहीं आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 16%, अभी भी 16%, अजम्पशन है ये तो। फिर उसने बोला था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, ये देखो पहले 14.29% थी,
अभी 12.9% हो गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, पहला बेनिफिट। फिर उसने बोला था वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, पहले वैल्यू ऑफ फर्म 35 लाख रुपीज थी, अब वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होके 38.75 लाख रुपीज हो गया। थ्योरी प्रूव, ड्यूरेंट डेविड ने अपनी बातें प्रूव कर दी, सब्जेक्ट टू अजम्पशन, सब्जेक्ट टू अजम्पशन उन्होंने अपनी बात प्रूव कर दी। ये है नेट इनकम अप्रोच, जस्ट गो थ्रू अगेन, जस्ट व्यू इट अगेन, जस्ट एनालाइज इट अगेन, एंड देन कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो पहले आप पूछिए, उसके बाद आगे मूव करेंगे। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स ओनली, जस्ट 2 मिनट, फिर नेक्स्ट थ्योरी पे आएंगे। 2 मिनट में आप इस थ्योरी को एक बार फिर एनालाइज करके चेक कर लीजिए और फिर क्वेश्चन रेडी रखिए। ओके गाइस, ऑल गुड। इज देर एनी क्वेश्चन? नो? चलिए, नेक्स्ट थ्योरी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ये भी हमारे ड्यूरेंट डेविड भाई ने दी थी। पुरानी थ्योरी में जो इनका आर्ग्यूमेंट था, उस आर्ग्यूमेंट पे खुद को लगा कि गड़बड़ है। यानी इन्होंने बोला था डिबेंचर बढ़ाने से, डेट बढ़ाने से, लोन बढ़ाने से रिस्क नहीं बढ़ता है। देन हिमसेल्फ ही रियलाइज कि
कि सर इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल दी कंपनीज। सर मैंने बोला तो है, लेकिन ये सारी कंपनीज की सिचुएशन में ये मेरा जो अजम्पशन है ना, ये लॉजिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने एक और थ्योरी बनाया, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने वो अजम्पशन बाहर निकाल लिया, क्या, कि रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता। अब ये बोलते हैं कि सर रिस्क तो चेंज होता है, जैसे जैसे डेट बिजनेस में आएगा, जैसे जैसे लोन बिजनेस में इंक्रीज होगा, डेफिनेटली शेयर होल्डर का रिस्क तो बढ़ेगा, शेयर होल्डर का रिस्क तो इंक्रीज होगा, रिस्क परसेप्शन तो चेंज होगा। और यदि शेयर होल्डर का रिस्क परसेप्शन चेंज होगा तो क्या होगा, सोचिए, शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा। सर जिस कंपनी में मैंने मेरा पैसा लगा रखा है बीइंग अ शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर, और उस कंपनी के अंदर रिस्क आती है, तो मैं अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दूंगा। कि ठीक है सर, बिजनेस है, रिस्क आती रहती है, लेकिन अब इस रिस्की बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने के लिए मुझे ज्यादा रिटर्न की जरूरत है। आई एम इन नीड ऑफ मोर प्रॉफिट, मोर रिटर्न। इस कम रिटर्न से मुझे कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो क्या होगा, शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ेगी, शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ेगी तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो उसकी रिटर्न की डिमांड बढ़ेगी, रिटर्न की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी। इस चेन को उठाते हुए ड्यूरेंट डेविन ने नेक्स्ट थ्योरी बनाया। पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। इनकी थ्योरी एक तरह से एक इररिलेवेंट थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट अफेक्ट कंपनीज वैल्यूएशन। क्यों अफेक्ट नहीं करता सर? इंक्रीज इन डेट इंक्रीज इन डेट, यदि आप लोन बढ़ाते हो, डेट बढ़ाते हो, लिवरेज बढ़ाते हो, इंक्रीज इन डेट, डेफिनेटली डेट इंक्रीज करना मतलब चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल बढ़ाना। तो ड्यूरेंट डेविड ने पहले भी तो गलत नहीं बोला था ना, इंक्रीज इन डेट विल इंक्रीज रिस्क ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज इन डेट विल इंक्रीज रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, डेट इंक्रीज करोगे तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा सर, पहले ये नहीं बोला था। इंक्रीज इन डेट विल इंक्रीज रिस्क ऑफ शेयर होल्डर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट में इंक्रीज शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ाएगा, शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ाने का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाएगा। इंक्रीज इन डेट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर क्या बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑफसेट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑफसेट बेनिफिट ऑफ चीपर डेट्स एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सीधे जज्बात ही बदल दिए इन्होंने, एकदम खुद ही की बात के बिल्कुल जज्बात बदल दिए, हर
हालात बदल दिए, सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया कि सर मैंने तो गलत बोला था, सॉरी, मेरी माफी, मुझे गलती हो गई, मैं बोल रहा हूं डेट बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, और यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी ना, तो जो चीपर डेट यूज करने का फायदा मिल रहा था ना मुझे, जो सस्ता लोन बढ़ाने का फायदा मिल रहा था ना मुझे, वो सारा फायदा बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंज्यूम कर जाएगी। मतलब इधर तो टोटल कैपिटल में डेट बढ़ाए, उससे टोटल कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन उधर इक्विटी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो टोटल कॉस्ट वापस इंक्रीज हो रही है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे डेट कितना भी रखो, डेट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं बचेगा, सारा फायदा इक्विटी की हायर कॉस्ट एब्जॉर्ब कर जाएगी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस वहीं आ जाएगी जहां पहले थी। मतलब ये है कि ये थ्योरी को इस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, लोन बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ डेट में तो कोई चेंज आता नहीं है, यहां ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ने लगेगी, नहीं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी के साथ इनकी थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। प्रूव करेंगे अभी, हम पहले बात समझ लेते हैं फिर प्रूव करेंगे। क्या बोल रहे हैं ये बहुत स्ट्रेट 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 बात बोल रहे हैं, यदि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन प्रपोर्शन डेट प्रपोर्शन बढ़ाओगे तो वो बेनिफिट तो देगा, लेकिन वो सारा बेनिफिट इक्विटी की इंक्रीज्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब कर जाएगी, खत्म कर देगी, खा जाएगी, डाइल्यूट कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। कैसे? कि सर डेट बढ़ाओगे, रिस्क बढ़ेगी, शेयर होल्डर की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट के बेनिफिट को एब्जॉर्ब कर। सर बात समझ नहीं आ रही, प्रूव करके बताओ। चलिए इसको भी प्रूव करके बताते हैं, इनकी बात को भी जस्टिफाई करते हैं प्रूव करके। अगेन एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं उसी तरह का कुछ, EBIT 5 लाख, मेरे पास करंटली डेट है वही 10 लाख रुपीज के 10% पे, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 15%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है इस बार। अब इस सिनेरियो में पहले सारी कैलकुलेशन देख लेते हैं, EBIT से शुरू करता हूं, EBIT 5 लाख, इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करो, 10 लाख पे 10%, 1 लाख, नेट इनकम बचेगी आपकी 4 लाख। अब क्या सर, KO दिया हुआ है 15%, और हमें पता है V आता है EBIT डिवाइडेड बाय KO से, EBIT 5 लाख डिवाइडेड बाय KO 15%, 5 लाख को 15% से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.33 लाख, 13.33 लाख, ये वी आ गया, वी पहले मालूम चल गया, तो वी में से डी माइनस कर दो, डी है हमारा 10 लाख रुपीज का, वी में से डी माइनस करेंगे तो एस बचेगा 23.33 लाख, एस भी आपके पास है, एनआई भी आपके पास है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के चेक कर लेते हैं, NI अपॉन S इंटू 100, NI था 4 लाख डिवाइडेड बाय S 23.33, ये आ रहा है नियर अबाउट 17.15%,
पहले आराम से ये कैलकुलेशन जो फॉर्मूलाज पहले लिखाए थे उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कैलकुलेशन चेक कर लो गाइज। मेक यू कंफर्टेबल विद दिस कैलकुलेशन, जो कॉन्सेप्ट्स पहले लिखाए थे, फॉर्मूलाज लिखाए थे, अभी थोड़े से रिवर्स यूज करने पड़े मुझे फॉर्मूलाज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ अलग थी। ऊपर जो फॉर्मूलाज आपके पास हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी कैलकुलेशंस चेक कर लें, जस्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ। कोई भी पॉइंट यहाँ पे पूछने का है तो बोलें पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये हमारी करंट पिक्चर की सिचुएशन, ओके। अब चेंज लाते हैं, ड्यू एंड डेबिट की बात मानते हैं, और डेट को 10 लाख से इंक्रीज करके 2 लाख, 20 लाख कर देते हैं। डेट को 20 लाख बना देते हैं, 10 लाख का लोन और बोरो कर लेते हैं, और फिर सारी कैलकुलेशंस चेक करते हैं। ईबीआईटी फाइव लाख, इंटरेस्ट माइनस कितना होगा अब? सर 20 लाख पे 10%, 2 लाख। एनआई एनआई अब बचेगा 3 लाख, ठीक है। केओ केओ कांस्टेंट है, अजम्पशन लिया है इसने, ऊपर ही बोल दिया है केओ विल रिमेन कांस्टेंट, केओ कांस्टेंट है, ओके। वी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ 33.33 लाख, डी डी अब है 20 लाख, एस वी माइनस डी 13.33 लाख, के एनआई डिवाइडेड बाय एस इनटू 100 22.5%। क्या बोला था ये? ये बोला था के ओ रिमेन कांस्टेंट, ये बोला था वी रिमेन कांस्टेंट, और ये बोला था के ई विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। बढ़ गया सर, वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ डेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, लेकिन के ई इंक्रीज हो गया। यही तो इसकी थ्योरी थी, प्रूव हो गई ड्यू एंड डेबिट की, ये वाली बात भी उसने सेटिस्फाई कर दिया। चेक कर लो आराम से, और कोई डाउट तो आप बोलिए, पहले डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बोलिए, इज इट क्लियर एवरीवन? आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन गाइस। ओके, सो इसी के साथ ड्यू एंड डेबिट की दो थ्योरीज यहाँ हमने सेटिस्फाई कर दिया, प्रूव कर लिया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ड्यू एंड डेबिट
एन आई अप्रोच में बोलता है, कंक्लूड कर का डिस्क ड्यूरिंग डेबिट एन आई, जितना लोन बढ़ाओगे जितना डेट बढ़ाओगे, दैट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डेट विल रिड्यूस योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द इंक्रीज वैल्यू ऑफ डेट विल रिड्यूस योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ फर्म. देन और अजम्पशन साथ में रखा था उन्होंने कि रिस्क परसेप्शन ऑफ शेयर होल्डर विल नॉट चेंज. देन हमारे दूसरे थ्योरी में उन्होंने अपनी को कॉन्ट्राडिक्ट किया और बोला कि रिस्क चेंज होता है सर, डेट बढ़ाने से रिस्क बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता है और उसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म सेम तो नहीं रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म सेम तो नहीं रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम तो नहीं रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम. ठीक है, डन. अब आते हैं हमारे थर्ड ऑब्जर्वर और वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं. नाम है उनका उस थ्योरी का ट्रेडिशनल अप्रोच. जब दो कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी आपके सामने होती है ना, तो हमें फिर एक और ऐसी थ्योरी की जरूरत होती है जो कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूड करके हमें दे. तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें एक सॉर्ट ऑफ नए कंक्लूजन और डायमेंशन की तरफ लेके आता है. कि सर ड्यूरेंट डेबिट सही है, ड्यूरेंट डेबिट सही है, ड्यूरेंट डेबिट गलत नहीं है कहीं भी. मतलब उन्होंने अपनी एनआई अप्रोच में भी सही बोला था और उन्होंने अपनी एनओआई अप्रोच में भी सही बोला था. सर दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? बोले सर हो सकती हैं. हम थोड़ा और एक्सटेंट चलते हैं, हम थोड़ा और एक्सटेंट की तरफ चलते हैं और थोड़े एक्स्ट्रा बात को समझते हैं. यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, इनिशियली हम अपने डेट के लेवल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सर. डेट प्रपोर्शन को, कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन के अमाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तीन कैटेगरी, हाँ तीन स्टेज पे डिवाइड करते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री. मतलब समाओ यू तो 20-30% तक स्टेज वन रहेगा, 50-60% डेट है तो स्टेज टू रहेगा, और उससे भी ज्यादा डेट इंक्रीज हो जाता है तो वो स्टेज थ्री हो गया. अच्छा तो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट के साथ इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और बहुत इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिकल समाव शो किया था कि सर क्या होता है जब आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी लोन लेने जाती है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन बोरो करती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन तक इंक्रीज करती है. मतलब जैसे 50 लाख का टोटल कैपिटल है, उसमें से 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 या 20 लाख का लोन है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता. 30-40 लाख रुपीस के लोन में, मतलब 50 लाख की टोटल कैपिटल में से 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के लोन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे लोन बढ़ना शुरू होता है, दो चीजें साथ में होती हैं, दो चीजें साथ में होती हैं. साथ में कैसे? एक तो शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ना शुरू हो जाती है और दूसरा एक स्टेज बाद बैंक भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने लग जाता है. देखिए प्रैक्टिकली होता है, बैंक भी तो रिस्क फील करेगा, अरे यार एक ही आदमी को लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन दे दिया, अब हमारी भी रिस्क बढ़ रही है और हम भी अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. भैया अब हमारी भी रिस्क बढ़ रही है, अब हम भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस पर्सन से. तो बैंक की रिस्क भी बढ़ने लगती है और बैंक भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता. यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल अप्रोच ने पिक किया और उन्होंने थ्योरी क्या बनाई. थ्योरी देखना, उन्होंने दो पार्ट कर दिए, डेट अप टू
ऑप्टिमम लेवल और डेट बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल। डेट अप टू ऑप्टिमम लेवल, डेट बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल। ये ऑप्टिमम लेवल क्या है सर? ये ऑप्टिमम लेवल ऐसे नहीं बता सकते, ये ऑप्टिमम लेवल अपने आप डिसाइड होगा। यहां मतलब क्या है? मतलब ये है, पहले ऑप्टिमम, अप टू ऑप्टिमम लेवल की बात करते हैं, अप टू ऑप्टिमम लेवल की बात करते हैं। लोन बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती रहेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती रहेगी, वैल्यू ऑफ फंड भी इंक्रीज होगी। अरे ये तो एग्जैक्टली इन्होंने एनआई अप्रोच वाली बात बोल दी, बिल्कुल ये इन्होंने एनआई अप्रोच वाली बात बोली है। इनिशियली ट्रेडिशनल अप्रोच एनआई अप्रोच को फॉलो करती है, इनिशियली ट्रेडिशनल अप्रोच की बात मानती है, ड्यूरेंट डेविट के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात मानती है कि हाँ सर ये तो सही बात है, इस शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ती नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसका फायदा तो मिलेगा। लेकिन यदि आप लोन एक लेवल से ज्यादा बढ़ाने लग गए, वो लेवल कौन सा है? उस लेवल को हमने नाम दिया है ऑप्टिमम लेवल। यदि आपने लोन उस ऑप्टिमम लेवल से भी ज्यादा कर दिया, यार पहले तो 50 लाख की कैपिटल में 20 लाख का लोन था, 30 लाख का, 20 लाख का लोन था, चल रहा था, लेकिन अब 50 लाख की कैपिटल के अंदर 40 लाख रुपए लोन में से ही है, ऐसा नहीं चले, तब क्या होगा? वो बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल की स्टेज पे चला जाएगा। और बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल की स्टेज क्या बोलती है? वो कुछ और एक्सट्रीम बात कर देते हैं। एक्सट्रीम बात कैसे? वो कहते हैं और डेट बढ़ाओगे, ऑप्टिमम लेवल से भी ज्यादा डेट बढ़ाओगे, तुम क्या सोच रहे हो सारा बिजनेस लोन से ही करने वाले हो? नहीं चलेगा। क्यों सर? कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगी, मजाक समझे क्या? जितना भी लोन लेना चाहो लेते जाओ और लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ने लग जाएगी, हाँ, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ने लग जाएगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ने लग जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म नीचे आएगी बहुत स्पीड से, वैल्यू ऑफ फर्म कम। ड्यूरेन डेविड ने अपनी थ्योरी में, दूसरी थ्योरी में यह बोला था कि रिस्क बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी, उससे वैल्यू ऑफ फर्म स्टेबल रहेगी। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच उसके एक स्टेप और आगे चली गई और बोलती है ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा डेट बढ़ाओगे ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी, बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आप लोन लेके आओगे तो रिस्क और बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई रिस्क कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी बढ़ाएगी, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ाएगी, और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी गिरने लग जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म गिरने लग जाएगी। अब सोच लो क्या करना है सर? कंक्लूजन ये है, हमें डेट ऑप्टिमम लेवल पे मैनेज करना है। एंड हाउ यू विल डिसाइड कि क्या आपका ऑप्टिमम लेवल है? सर हम हर थ्योरी को, हर लेवल ऑफ डेट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद एक ऑप्टिमम लेवल डिजाइन करेंगे। बहुत क्लियर ट्रेडिशनल अप्रोच ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया, जिसको हम आगे एग्जाम्पल से भी प्रूव करेंगे, लेकिन यह बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच एक तरह से ट्रेड ऑफ है, एक तरह से कंक्लूसिव थ्योरी प्रूव करता है, थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि सब जगह बातें ठीक है, लोन बढ़ाने से एक स्पेसिफाइड लेवल तक लोन बढ़ाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, फायदा ही होता है, लेकिन बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोन लाने का मतलब रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में हमने बहुत देखे हैं। ऐसी कई कंपनीज जो इनिशियली लोन पे बिजनेस कर रही थी, धीरे धीरे उनका मोटिव एक ही होता है कि सर धीरे धीरे अपने इस लोन पोर्शन को कम करो, धीरे धीरे अपने लोन पोर्शन को कम करो। एवरी कंपनी इज फोकसिंग ऑन द वन पार्ट, मेक योर कंपनी डेट फ्री। लेकिन इनिशियली बिजनेस करने के लिए यू रिक्वायर्ड टू बोरो, फंड्स तो बोरो करना पड़ेगा इनिशियली, ऐसा बिना बोरोइंग के काम नहीं चलता। लेकिन
बोरोइंग आपको रिड्यूस करना रहेगा और धीरे धीरे इक्विटी की तरफ शिफ्ट करना। तो ये तीन थ्योरीज का डिस्कशन हम यहाँ खत्म करते हैं। इन आर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे चैप्टर को, नेक्स्ट लास्ट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसको कंक्लूड करेंगे हमारी कल की क्लास में। इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे विद द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, और उनके सारे कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि एमएम जब भी अप्रोच देते हैं, थ्योरी देते हैं, तो एमएम की एक ही थ्योरी रही है कि एमएम से एमएम की थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है इररिलेवेंसी थ्योरी, इररिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट और इररिलेवेंसी थ्योरी क्यों बोलते हैं? इररिलेवेंसी बोलते हैं, कहते हैं सर कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन, कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि हम पैसा कहां से लाए। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ इस चीज पे डिपेंड करती है कि जहां से भी लाए हो वो ठीक है, इन्वेस्ट कहां, इंपॉर्टेंट फंड्स अरेंज करना या फंड्स इन्वेस्ट करना। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहां से भी पैसा लाए हो उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कहां किया है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी है, यदि आपकी फंड मैनेजमेंट अच्छी है, यदि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो आप पैसा कहीं से भी लेके आइए, मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी कि उनकी इस बात में कितना दम है एमएम अप्रोच पे, और ये जो बात उन्होंने बोली इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, सी यू। और एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।